हेलो गाइस, वेलकम टू वुन स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स क्या होते हैं, कौन सी एज में स्टार्ट होते हैं, कब तक ये रहते हैं और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इसकी क्या वजह हो सकती है। उससे पहले दोस्तों, आपके राइट साइड में रेड बटन है उसे ग्रे कर दीजिए और लेफ्ट साइड में ग्रे बटन है उसे ब्लू कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो में पीरियड्स टाइमली लाने के एक अचूक नुस्खे भी बताऊँगी जो मैंने खुद ट्राई किया है। पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी, हेड, मासिक चक्र, रजोधर्म, बहुत से नामों से इसे जाना जाता है। इसमें वुमेन की 20 से 40 ईयर्स तक की एज को रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है। 20 ईयर से 13 ईयर्स के बीच लगभग हर लड़की को पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हर महीने कंटिन्यूसली पीरियड्स आते रहते हैं करीब 40 से 45 ईयर्स तक। उसके बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। हर महीने रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन को 3 से 7 दिनों के लिए करीब ब्लीडिंग होती है वजाइना से। इसी को मेंस्ट्रुअल या पीरियड्स कहा जाता है। यह हर महीने 3 से 7 दिन के लिए आते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में 28 की साइकिल होती है। हर मंथ गर्ल्स को 30 से 60 ml तक ब्लड लॉस हो जाता है। अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो इसका मतलब पीरियड्स का जो पहला डे होता है उससे लेके पीरियड्स आने के एक दिन पहले का जो डे होता है उसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है। जनरली लड़कियों को हर 28 डेज पर पीरियड्स आते हैं, बट कुछ फीमेल में यह साइकिल 45 डेज का भी हो जाता है। यह भी नॉर्मल ही है, 2 या 3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। अगर लड़की की एज 15 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या 1-2 बार आकर बंद हो गए हैं तो यह स्थिति एमेनोरिया के नाम से जानी जाती है, जो कि एक गंभीर प्रॉब्लम का संकेत है। अगर किसी वुमेन को मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब मेनोपॉज क्या होता है? महिलाओं का ऐसा एज यानी 40 से 50 ईयर के बीच जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसे मेनोपॉज कह जाता है। जब महिला की एज 40 से 50 के बीच हो जाती है तो अंडाशय में अंडे बनना बंद हो जाते हैं और गर्भाशय में परत बनना भी बंद हो जाता है, जिससे पीरियड्स नहीं होते हैं। मेनोपॉज के दौरान हो सकता है कुछ लेडीज को ज़्यादा गर्मी का एहसास हो, वजाइना में रूखापन और बाल झड़ने की भी समस्याएँ हो सकती हैं। अगर लड़की के वैक्स होने के बाद भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो यह एक गंभीर प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम ज़्यादातर हार्मोनल इंबैलेंस, बॉडी में ब्लड की कमी और प्रजनन प्रणाली वाले अंगों में कमजोर होने पर होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर पीरियड्स पूरी तरह बंद हो गए हैं तो यह PCOD बीमारी का भी संकेत हो सकता है। PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, यह एक प्रकार का हार्मोनल विकार है जिसमें ओवरी की सतह में छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं, जिससे अंडाशय में अंडे नहीं बन पाते और पीरियड्स नहीं आते। चेहरे एवं शरीर पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आपको लगती है तो तुरंत गायनोकोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर इसका इलाज सही टाइम पर नहीं किया गया तो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए पीरियड्स के इरेगुलर होने पर चेकअप जरूर करवाएं। पीरियड्स क्या होते हैं? फीमेल बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसे यूट्रस, गर्भाशय या बच्चेदानी बोलते हैं। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बेबी इसी ऑर्गन में ग्रो करता है। तो इस प्रेगनेंसी इवेंट की प्रिपरेशन के लिए यूट्रस अपने आप को हर महीने तैयार करता है। हर महीने जो उसके अंदर की लाइनें होती हैं वह ठीक होती जाती हैं अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के लिए। अगर वहाँ प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वह गिरती नहीं है और इस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो यूट्राइन लाइन होती है वह शट ऑफ कर जाती है, यानी कि गिर जाती है। साथ में ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी होती है। इस तरह ब्लड और म्यूकस का डिस्चार्ज वजाइना के थ्रू हो जाता है एंड ब्लीडिंग होने लगती है। 3 से 7 डेज तक रहती है ये हर महीने और नेक्स्ट साइकिल में यह यूट्रस फिर से रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है। बहुत सी गर्ल्स को पीरियड्स के टाइम काफ़ी पेन होता है, बेड रेस्ट लेना पड़ जाता है। ये ज़्यादातर तब होता है जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। टीन एज गर्ल्स को ज़्यादा होती है, पेट में दर्द होता है। इसके लिए गर्म पानी से सिकाई की जा सकती है। जैसे एज बढ़ती है यह प्रॉब्लम कम भी हो सकती है। आमतौर पर मैरिड के बाद ये बेबी होने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ज़रूरी नहीं है हर गर्ल्स को इतनी प्रॉब्लम, बट ज़्यादातर गर्ल्स को होती है। दोस्तों, मैंने बहुत सारी बातें कर ली, अब मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी। अगर आपके पीरियड्स 2 से 3 मंथ पर आते हैं तो यह रेमेडी इंशाल्लाह जरूर असर करेगा, क्योंकि यह मेरे खुद का आजमाया नुस्खा है। मैं इस नुस्खे को 1 ईयर से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा था। मैं आप दोस्तों इसके लिए राई यानी कि सरसों, मेरे येलो सरसों, आप चाहें तो ब्लैक सरसों ले लें, ब्लैक और भी ठीक रहेगा। उसमें हींग एंड सिरका, इन तीनों को मिक्स करके नाश्ते के बाद पीरियड्स आने के 1 वीक पहले से डेली लेना है।
वन वीक लेने के बाद छोड़ देना है, इससे आपको पीरियड्स टाइमली आने लगेंगे और खुलकर भी आएंगे। इस नुस्खे को आजमाइए और अपने रिजल्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको आयरन से भरपूर सब्जी और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, पीरियड्स के टाइम भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा डिटेल वीडियो पीरियड्स के ऊपर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।